Yeah, so hi Abhishek, first of all, a very happy Navratri. Thank you so much, wish you the same. So there are a few questions and I'll start asking them. Okay, so okay. How did you celebrate Navratri during your childhood? During my childhood, till now, though abhi tak pura same hai, jis tarah se hum Navratri ko manate hain, mummy 9 din ka vrat rakhti hain aur mummy puri Durga Mata ko, you know, achche se sajati hain, unke liye naye naye kapde lekar aati hain market se jaake. और उनको पूरा ड्रेसअप करती हैं बिल्कुल नए तरीके से. एंड देन मम्मी हमारे यहाँ पे ऐसे जौ बोया जाता है एक कलश के ऊपर. सो वो 9 दिन में इट बिकम्स यू नो इट ग्रोज. सो मतलब वो जितना ग्रो करता है उतना ही आप प्रॉस्पर करते हो. दैट इज द थिंग बिहाइंड दैट. एंड देन हमारे अखंड जोत जलाई जाती है जो कि पूरे 9 दिन लगातार जलती है. सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट कि वो बुझे ना कभी भी. सो वही सब पूरा एक रूटीन चलता है और मम्मी का 9 दिन का व्रत चलता है तो जिसमें मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाती है और फिर हम लोग खाते हैं. तो आपका फेवरेट खाना कौन सा है? नवरात्रि के टाइम पे अगर देखा जाए तो मम्मी सुबह सुबह जो है साबूदाने की का पोहा बनाती हैं. दैट इज माय फेवरेट. और वो रात को सिंघाड़े की ना वो आलू के साथ मिक्स पूरी बनाती हैं. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट डिश इन नवरात्रि. आई ऑलवेज स्टील वन और टू पीस. सो योर फॉन्डेस्ट मेमोरी लाइक बचपन की? आई वुड से हम लोगों का यही होता था कि नवरात्रि में मोस्टली मतलब फ्रॉम वेयर आई बिलोंग वहां पे ज्यादा से गरबा वाज नॉट द ट्रेंड. बट यू नो हम नॉर्मल 9 दिन तो मम्मी व्रत रखती थी और जो नॉर्मल चीजें होती थी. और जब रामनवमी होती थी 9वां दिन जिस दिन होता था तो शी यूज्ड टू कॉल ऑल द लिटिल गर्ल्स. वो 9 कन्याओं का जो होता है पूरा पूजा शी कॉल्स फॉर दैट. एंड देन सबको खाना खिलाते थे और हमें बचपन में मम्मी लंगूर बना देती थी क्योंकि हम दोनों छोटे छोटे थे तो 9 लड़कियों के बीच में हम दोनों को भी बैठा गया मम्मी. हमें खाना खाना पड़ता था. एंड वी यूज्ड टू गो टू यू नो मल्टीपल हाउसेस ऑल्सो. तो हम लोग दूसरों के घरों में भी जाते थे उन्हीं के साथ में. मतलब कभी पूड़ी कभी ये एंड देन छोटे छोटे गिफ्ट. बहुत बड़ी बहुत छोटे की बात है. जब बड़े हो गए तो समझ में आ गया कि नहीं थोड़े. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. सो क्या प्लान्स है इस ईयर के? लाइक कैसे आप कर रहे हैं सेलिब्रेट और आगे की और 3 दिन कैसे करने वाले हैं? अभी भी वही जो फॉर्मेट पहले था अभी भी वही फॉर्मेट है. और मम्मी अभी भी व्रत है और शी इज फास्टिंग एंड हम लोग अपना अभी काम में लगे हुए हैं. डेज आर गोइंग नॉर्मल. मम्मी सुबह पूजा करती हैं, हम लोग भी सुबह बढ़िया नहा धो के मतलब ऐसा थोड़ा मैंडेटरी. मतलब यूजुअली व्हाट आई डू बिकॉज मुझे सेट पे जल्दी पहुंचना होता है तो मैं रात को ही नहा धो के मतलब रेडी होकर सोता हूँ ताकि सुबह फटाफट 5 बजे उठ के सेट की तरफ निकल जाऊँ. अभी क्या होता है मुझे रोज सुबह नहा के बढ़िया अच्छे से निकलना पड़ता है तो वो मैंडेटरी हो जाता है. और उसके बाद फिर रात को आते हैं देन अगेन वी हैव टू टेक अ बाथ एंड यू नो लाइक पूरा घर एकदम पवित्र रखना होता है हमें. और रात को बस वही मम्मी का जो व्रत वाला खाना होता है वही खाते हैं. और हम भी मतलब एक तरह से तो पूरा दिन जो खाते हैं वो खाते हैं प्लस व्रत वाला खाना भी खाते हैं. तो अभी 3 दिन वैसे ही कटेंगे हमारे. एंड देन बट एक होता है वाइब चेंज हो जाती है घर की. द होल हाउस बिकम्स वेरी लाइक यू नो क्या कह सकते हैं डिवाइन विद द एनर्जी ऑफ दुर्गा माँ. और हम लोगों को शो में जब करना था तो हम लोग लिटरली यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे कि कैसे गरबा करेंगे और कैसे होता है. बट आवर डायरेक्टर्स आर हेल्प अस अ लॉट टेकिंग इट आउट. सो वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा. ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? The only message for my fans is अपना कि guys आप सब please हो सके तो नवरात्रि के जो ये दिन होते हैं इनमें जितना हो सके देवी माँ को याद कीजिए. और actually there are time for everything. So I think this is the time for you to get into the bhakti of Durga Maa and को जितना याद करेंगे आपको उतनी ज्यादा blessings मिलेंगी और फिर आप उतने ही blessings हमें भी return में दे सकते हैं ताकि हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहें और एक अच्छा show बनाते रहें.